हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल। आज मेरे साथ है मेरे दोस्त और वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर कार्लटन परेरा। कार्लटन, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। आज हम बात करने वाले हैं लोटस टेम्पल के बारे में, दैट इज इन दिल्ली। सो कार्लटन, लोटस टेम्पल के बारे में मैंने तो बहुत सुना है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अब तक विजिट नहीं की है। आपने जरूर विजिट की होगी, तो कहाँ पे शुरू करें, थोड़ा लोटस टेम्पल के बारे में हमें बताइए। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल नील, थैंक यू वेरी मच आपके शो पे मुझे बुलाने के लिए। तो लोटस टेम्पल के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। पहले लोटस टेम्पल जनरली जाना जाता है बहाई फेथ के हाउस के बारे में, या फिर लोटस टेम्पल जाना जाता है बहाई फेथ के टेम्पल के बारे में। अभी बहाई फेथ क्या है? जनरली मैं अगर बहाई बोलूंगा तो कुछ तो नई चीज आपको लग रही होगी कि बहाई कुछ तो अलग है। तो ये बताने के लिए आपको मैं जो कुछ साल पहले लेकर जाना पड़ेगा जब ये शुरुआत हुई है। तो जनरली बहाई फेथ जो है, बहाई का मतलब है, बहाई मतलब फॉलोअर्स, जो फॉलोअर्स करते हैं या फिर टीच करते हैं। सो बहाई किसको फॉलो कर रहे हैं? तो बहाउल्लाह को फॉलो कर रहे हैं। बहाउल्लाह कौन है? सो जो बहाउल्लाह है, जो इनके गुरु है या फिर टीचर है। अभी आप बोलोगे कि बहाउल्लाह कोई भगवान है क्या? तो बहाउल्लाह कोई भगवान नहीं है। सो चलिए 200 साल पहले चले जाते हैं, जब बहाउल्लाह जी का जन्म हुआ है 1817 में, जब 1817 में उनका जन्म हुआ है। 1817 में बहाउल्लाह जी का जन्म एक मुस्लिम फैमिली हुआ था, और उस टाइम पे उनका जो धर्म था वो धर्म मुस्लिम था। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे जो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी जो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने ये जाना कि इस जग में मोसेस, मोहम्मद पैगंबर, जीसस, कृष्णा, बुद्धा सभी एक ही है, और एक सभी ने एक ही चीज का टीचिंग दिया हुआ है। वो टीचिंग ये है कि शांति बनाए रखे और इंसानियत फॉलो कीजिए। सो आप ये बोल सकते हो कि लोटस टेम्पल जो है वो लोटस टेम्पल एक इंसानियत का मंदिर है। सो इन अ शॉर्ट अगर मुझे बोलना है तो दिखने के लिए वो फ्लावर पेटल के जैसे दिख रहा है, इसीलिए हम उसको लोटस टेम्पल बोलते हैं, लेकिन वो एक टेम्पल ही इंसानियत का टेम्पल है। ग्रेट। सो कार्लटन, थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। अभी पहले आते हैं लोटस टेम्पल के आर्किटेक्चर की तरफ। ऑफकोर्स जब हम बाहर से देखते हैं या फिर हम गूगल पे देखते हैं, तो लोटस टेम्पल एक फ्लावर की तरह दिखता है। ऑफकोर्स उसका नाम तो लोटस टेम्पल ही है, तो उसके आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा हमें बताइए। बिल्कुल। सो इस लोटस टेम्पल के आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताना है, तो ये जो आर्किटेक्चर है उसका रीजन ये है कि लोटस के जैसा बनाने के लिए, देखिए लोटस का अपने देश में बहुत ही बड़ा महत्व है। और लोटस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो तीन चीजें हमेशा महत्व है, एक सिंप्लिसिटी, क्लियरिटी और लोटस का फ्रेशनेस। ठीक है, और लोटस की खासियत और एक है, एक एग्जांपल दूंगा। मैं लोटस टेम्पल के यहाँ पे था और मैंने वहां के बहाई फेथ के लोग थे उनको पूछा कि सर लोटस ही क्यों और कुछ क्यों नहीं है स्ट्रक्चर? तो उन्होंने बोला ये तीन चीजें तो मुझे बताई, बोला जी ये चीजें तो मैं जानता हूं, उसके अलावा? तो उन्होंने बोला कि सर एक चीज है, लोटस जो है ना हमेशा वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन जब बाहर आता है ना तो उसकी सुंदरता इतनी अच्छी होती है कि सबको पसंद है। सो मैं तभी समझ नहीं पाया कि उनको क्या बताना है। तो उन्होंने बताया सर हम सभी है ना एक अलग अलग स्थिति में पैदा होते हैं, लेकिन हम आगे जाके क्या इंसानियत रखते हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए लोटस में है। सो इन टर्म्स ऑफ अगर स्ट्रक्चर आपको देखना है, सो इसमें 27 पेटल्स है और 9 एंट्रेंस बनाए गए हैं, और सभी 9 एंट्रेंस पे, ये 9 एंट्रेंस बनाने के लिए 3-3 पेटल्स उन्होंने ज्वाइन किए होगा। तो 3-3 पेटल ज्वाइन होने के बाद 9 एंट्रेंस हो जाते हैं और पूरी तरह से लोटस का आकार लेता है। और जब आप इसी 9 एंट्रेंस से सभी जगह से एंटर कर सकते हो, और सभी 9 एंट्रेंस की जगह पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग पॉन्ड्स बनाए गए, और सभी 9 जगह पे बहुत ही सुंदर पॉन्ड्स है जिसमें हमेशा पानी रहता है। सो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर लोटस सिंबल है प्योरिटी का, जो उन्होंने यहाँ पे दर्शाया। ओके, सो कार्लटन, जब हम लोटस टेम्पल जाते हैं तभी ऑफ कोर्स ये तो पता है कि आप कौन से भी फेथ से हो, आप कौन से भी रिलीजन से हो, आप लोटस टेम्पल के अंदर जा सकते हो। तो लोटस टेम्पल की कुछ स्टोरीज आपके पास है जो आप हमें आज बताना चाहोगे? जी बिल्कुल, मैं लोटस टेम्पल के बारे में कुछ स्टोरीज मेरे पास है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। स्पेसिफिकली जब हम लोग लोटस टेम्पल बोलते हैं तो यहाँ पे बहाई फेथ का हम लोग हमेशा मेंशन करते हैं। सो बहाई फेथ की कुछ स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा कि लोटस टेम्पल क्यों बना है। सो
देखिए बहाई फेथ जो शुरू हुआ है मिड 19 सेंचुरी में शुरू हुआ है। अभी मैं 19 सेंचुरी बोलूंगा या 1817 बोलूंगा तो आपको लगेगा कि बहुत ही पुराना है, तो मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कभी शुरू हुआ है। जब जब बहाई फेथ या बहाउल्ला जी ने जब स्पिरिचुअली जर्नी शुरू की थी और जब उनका जब वो पैदा हुए थे 1817 में, तभी किंग जॉर्ज III इंग्लैंड की किंग हुआ करते थे और मिस्टर जेम्स मनरो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे और तभी सिर्फ 20 स्टेट्स थे। अपने इंडिया में एट दैट पर्टिकुलर टाइम वहां पे एंग्लो मराठा वॉर हो रही थी, जो तीसरी वॉर थी एंग्लो मराठा में, और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया का ताबा ले रही। सो आप सोच सकते हो रिलेटिवली ये कितना नया धर्म है, या फिर मैं रिलीजन इसको नहीं बोल सकता, धर्म नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ है। तो आप मुझे बताओ कि वे ऑफ लाइफ क्या है, तो उसके पीछे का एक स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहाउल्ला जी है जो एक दिन घूमने के लिए निकले थे, मुझे एक रेफरेंस देना जरूरी है यहाँ पे कि बहाउल्ला एक वजीर के सन हुआ करते थे, वजीर जो किंग के लिए काम करते थे, बहुत ही रिच पर्सन और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमेशा वो रहने के लिए खाने के लिए उनके पास बहुत कुछ हुआ करता था। जब वो रास्ते से जा रहे थे और वो ट्रैवल कर रहे थे तो उनको याद आया कि अभी रात हो रही है और घर नहीं जा पाएंगे, और वहां पे ये होता है कि वहां पे कोई होटल सामने नहीं है, रहने के लिए कुछ जगह नहीं है, और फिर वो सोचते अभी करें क्या। तभी वहां पे उनको गुहा दिखती है जहां पे एक इंसान अकेले रह रहा था। वो बाहर आता है और उनको बाहुल्ला जी को बोलता है कि मुझे आपको हमारे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज मेरे पास साथ आइए, मेरे गुहा में रहिए और मेरे साथ खाना खाइए। बहाउल्ला जी ने सिंपली उनके साथ गए, उनके साथ वहां पे रहे और उनके साथ बातें की। जब खाने का समय आया तो उन्होंने पूछा कि क्या हम खाना खाए, तो उस इंसान ने बोला जी जरूर, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ मीट है और कुछ राइस है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। सो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने मीट और राइस सो खाया। उसके बाद बहाउल्ला जी वहां पे 3 दिन तक रहे, वो दूसरे दिन सुबह जाने चाहिए थे उनके घर, लेकिन वो 3 दिन तक रहे। तो अभी ये स्टोरी क्या बता रही है कि बहुत ही सिंप्लिसिटी, इंसानियत, कि उनको पता था कि वो इंसान अकेला है, अकेला वहां पे रह रहा है और उनके साथ रहना उनको जरूरी है, क्योंकि वो उस इंसान के पास कोई किड्स नहीं थे, कोई वाइफ नहीं थी, और इस टाइम पे उनको पता था कि अकेले इंसान को उनके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो एक बहुत ही ऐसी सुंदर स्टोरी उनकी है जहाँ पे उनको इंसानियत वो दर्शाते हैं। जब भी बहाउल्ला किसी भी फॉलोअर से बात करते थे तो उनको हमेशा कहा जाता था कि आप धर्म के बारे में बोलिए, भगवान के बारे में बोलिए, लेकिन वो हमेशा एक धर्म या फिर एक भगवान के बारे में नहीं बोलते थे, तो वो हमेशा इंसानियत के बारे में बोलते थे। सो इट वॉज लाइक दैट। ऐसे बहुत सारी उनकी छोटी छोटी स्टोरीज है जो आप सुन सकते हो, और हमेशा ही उन्होंने इंसानियत के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ। Great. So, Carlton, आपने लोटस टेम्पल लास्ट कभी विजिट किया था? ओके, सो मैंने लोटस टेम्पल लास्ट विजिट किया था 2018 में, और अगर आप अलाउ करोगे तो मैं और एक किस्सा बताना चाहूंगा। जरूर, हमें तो सुनना ही है। लोटस टेम्पल की एक खासियत है कि लोटस टेम्पल में आप जब एंटर करते हो तो आपको आपके शूज निकालना है। शूज निकाल के आप जैसे ही एंटर करते हो तो वहां पे बेंचेस है जहां पे आप बैठ सकते हो, वहां पे कोई भी स्टैचू नहीं है, वहां पे कोई भी पूजा की नहीं जाती है, कोई कैंडल जलाया नहीं जाता। तो मैं कुछ कोस्टरिकन गेस्ट के साथ घूम रहा था और हम लोग अंदर गए, बेंच पे बैठ गए। आप 15-20 मिनट्स वहां पे स्पेंड करते हो, बहुत बहुत शांत होता है माहौल। और हम जैसे एंटर किए तभी एक कॉयर वहां पे आ गया, और बहाई फेथ का एक रूल है कि आप गाना गाने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाओ, और वो कॉयर गाना शुरू कर दिया और हम लोग वहां पे अंदर बैठे थे, और वो गाना इतना अच्छा था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लोटस टेम्पल पे आवाज एको हो रहा है और हम लोग बैठे हैं, और लास्ट एक लाइक 5 मिनट्स गए रहेंगे उस सॉन्ग में, और मैंने देखा कि मेरे गेस्ट जो है वो रो रहे हैं। सो मुझे लगा कुछ तो यू नो इनकन्वीनियंस हो रहा है और रो रहे हैं, तो मैंने उनको पूछा सर व्हाट हैपेंड, आपको कुछ मदद चाहिए? तो उन्होंने बोला नहीं, ये इतना शांत है, इतनी शांत जगह मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी, जहां पे इतनी शांति, और ये जो गाना गा रहे वो ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में हूं।
और एक बहुत ही बड़ी चीज थी मेरे लिए। और 2018 के बाद मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कितने जल्दी अभी वापस लोटस टेम्पल विजिट कर सकता हूँ, क्योंकि वो शांति और वो कॉयर का आना सडनली वो मेमोरेबल बना देता है उस टूर को, उस ट्रिप को, और वो किस्सा हमेशा ही याद रहता है। इट वॉज 2018 लास्ट टाइम। ऐसे बहुत टूर मैनेजर से सुना है कि जब आप लोटस टेम्पल जाते हो तब आप एक जेन मोड में चले जाते हो, और ये आपकी कहानी सुन के ऐसे ही लगा कि जब हमारी जो ट्रैवलर्स है इंडिया के ही नहीं पर जो बाहर से आते हैं, जो वीना वर्ल्ड का इनबाउंड बिजनेस है उसके थ्रू टूर्स करते हैं, उन्हें भी वो जेन मोड एक्सपीरियंस होता है जब लोटस टेम्पल जाते हैं। अभी कार्टिन, अगर हम लोटस टेम्पल जा रहे हैं, ऑफकोर्स आपने बताया है कि ऑफकोर्स आप शूज निकालोगे, आप कौन से भी रिलीजन के होगे आप लोटस टेम्पल के अंदर जा सकते हो, पर और कोई इंस्ट्रक्शंस एज अ वीना वर्ल्ड टूर मैनेजर आप देना चाहोगे हमारे गेस्ट के लिए जो हमें हमारी ये पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं? ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस है जो हमें जरूर याद रखने चाहिए जब हम लोटस टेम्पल विजिट करते हैं? बिल्कुल ही, जब भी आप लोटस टेम्पल जा रहे हो, जैसे कि मैंने बताया आपको शूज तो निकालनी है, लेकिन लोटस टेम्पल का एक रूल है कि आप जैसे ही क्यू में वहां पे जाओगे एक सर्टन टाइम के लिए आपको बैठना है। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि एक दिन में वहां पे 10 से 15 हज़ार लोग विजिट करते हैं, सो आपके लिए बहुत सारा समय वहां पे मिलता नहीं है। 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम आपको 15 मिनट दिया जाता है, जितना टाइम आप वहां पे बैठ सकते हो। दूसरी बात है वहां पे आपको कोई चिल्लाना नहीं है, आवाज करना नहीं है, आप आपके प्रेयर्स कर सकते हो, किसी भी गॉड के लिए प्रेयर कर सकते हो। और वहां से आपको वापस एग्जिट के लिए वहां पे वॉलेंटियर्स है जो आपको बताएंगे कि कहाँ से एग्जिट लेना है, आपको वहां से एग्जिट लेना है। रूल्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एग्जिट और एंट्री के यहाँ पे उन्होंने शूज स्टैंड बना के रखे हुए हैं, तो आप वहां पे शूज इजीली रख सकते। कार्टन, आपने एक बताया कि इतने सारे विजिटर्स आते हैं, तो ऑफ कोर्स ये टेम्पल के प्रोफेशनल आर्किटेक्चर के बारे में या फाइन आर्ट के बारे में या जो कुछ भी ये लोटस टेम्पल सिग्निफाई करता है या सिंबलाइज करता है उसके लिए इसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। ऐसे कोई अवार्ड्स आपको याद आते हैं जो इन्हें मिले हैं और जो आप इधर मेंशन करना चाहोगे? बहुत ही अच्छा सवाल नील। एक्चुअली इनफैक्ट मैं अभी ये बताने वाला था, यहाँ पे लोटस टेम्पल को अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से 2 अवार्ड्स मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। जो सबसे चौथा अवार्ड उनको मिला था 1994 में, और आपने सुना रहेगा बहुत ही एक फेमस इंसाइक्लोपीडिया है ब्रिटानिका करके। सो ब्रिटानिका ने इनको आर्किटेक्चर के लिए एक अवार्ड दिया था, और उन्होंने यहाँ पे बोला था कि दिस टेम्पल इज टेम्पल ऑफ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ द टाइम, टेम्पल इज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ द टाइम। उन्होंने इतना प्रेस किया हुआ है कि इसके जैसा टेम्पल अभी तक बना हुआ नहीं है मॉडर्न टाइम में। मैं मॉडर्न टाइम की बात कर रहा हूँ, हजारों वर्ष से भारत में अच्छे अच्छे टेम्पल्स बने हुए हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में एक वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल, ये ब्रिटानिका ने बोला हुआ है, उनको उसके लिए अवार्ड दिया है। 2000 में और एक अवार्ड इनको मिला है, यह 2000 में ग्लोबल आर्ट एकेडमी है जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती है। सो उन्होंने जब उनको अवार्ड दिया तो उन्होंने ये कहा है कि मॉडर्न जमाने का ये ताजमहल है जो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटी को। सो ये बहुत ही अलग सा सुनाई देता है कि 20th सेंचुरी का ताजमहल, वो भी लोटस टेम्पल, जो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटी को एंड वर्ल्ड पीस को, वर्ल्ड यूनिटी को। सो ये 2 अवार्ड जो है मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाहूंगा। लेकिन मैं एक चीज बहुत मेंशन करना चाहता हूँ कि 1987 से इसको अवार्ड्स मिलना शुरू हुआ है। जब ये टेम्पल बन रहा था उसके पहले से लोगों ने उसको सराहना करना शुरू कर दिया था, बिकॉज टेम्पल जिस तरह से बन रहा था, देखिए लोटस के लिए एक हर भारतीयों के मन में एक अलग रिस्पेक्ट है, और उसी में अगर आप लोटस टेम्पल बना रहे हो और उतने अप्रोक्सीमेटली 26 एकड़ में ये बन रहा है और इतनी सारी हरियाली के साथ, तो अवार्ड्स तो इस टेम्पल को डे वन से ही मिल रहा है जो लोग दे रहे थे। 1987 में फर्स्ट अवार्ड मिला है, 1994 में ब्रिटानिका ने उनको एक अवार्ड दिया है, 2000 में जो उनका लास्ट अवार्ड था विच वॉज 2000, और 2000 में द ग्लोबल आर्ट अकेडमी ने है, बट विद द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा है कि दिस इज अ मॉडर्न डे ताजमहल विच वर्क्स टूवर्ड्स वर्ल्ड यूनिटी एंड पीस, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपने बहुत ही एक अच्छी स्टेटमेंट की, दिस इज अ मॉडर्न डे ताजमहल दैट वर्क्स टुवर्ड्स वर्ल्ड यूनिटी।
क्योंकि ये लोटस टेम्पल से दिखती है। और एक फाइनल क्वेश्चन जाते जाते, और ऑफ कोर्स आप आपके फाइनल नोट्स भी लोटस टेम्पल के बारे में दे सकते हो, क्या हम लोटस टेम्पल शाम को या रात को भी विजिट कर सकते हैं? क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे इमेजेस देखी है कि वो जो लिट अप लोटस टेम्पल रहता है शाम को या रात को, वो बहुत अच्छा दिखता है। नील, ये लोटस टेम्पल दो टाइम पे विजिट करना बहुत ही अच्छा है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह आप विजिट कीजिए, और शाम को जाते वक्त। लोटस टेम्पल का और एक मीनिंग भी है कि ये जो टेम्पल है वो पूर्व दिशा में बनाया गया है, क्योंकि सूरज उगते वक्त जो रोशनी आती है उससे वो जो चमक उठता है उसके लिए भी उसका एक रीजन है कि पूर्व दिशा में बनाया गया। तो आप सुबह सुबह जाइए, सुबह उसको विजिट कीजिए, या फिर शाम को जब सूरज ढल रहा है तभी उसी टाइम पे जाइए, बहुत ही सुंदर लगता है। दोनों टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग अगर आप यू नो 5-6 बजे के आसपास, शायद अभी गेट्स भी नहीं खोले रहेंगे, लेकिन आप बाहर से उसकी ब्यूटी बिल्कुल देख सकते हो। शाम को लेट इवनिंग तक रहता है, विंटर सीजन में जल्दी वो बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी जैसे ही सूरज ढल रहा है बहुत बढ़िया लगता है। ये दो समय बहुत ही बढ़िया है। ग्रेट, थैंक यू सो मच कार्लटन, आज आपने हमें लोटस टेम्पल के बारे में बताया जो दिल्ली में है और एक बहाई हाउस ऑफ वर्शिप कहा जाता है। और इसका स्थापन ऑफ कोर्स 1986 में हुआ था, बट सिंस 1986 यू नो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव विजिटेड द लोटस टेम्पल। सो कार्लटन, थैंक यू वेरी मच, आप चलो बैग भरो निकल पड़ो के ये एपिसोड पर आए। अगली बार जब आओगे तब ऐसे ही इनक्रेडिबल इंडिया की एक और मॉन्यूमेंट लेंगे और आपसे उसकी स्टोरी सुनेंगे। Thank you for coming on the show and listening. Thank you very much. Thank you. Bye. And listeners and viewers on YouTube, thank you so much. Hum milenge agli baar with another interesting topic. Take care, stay safe, and chalo bag bharo nikal pado with Veena World.